हाँ, जनार्दन, क्यों नहीं। मेरे अनुभव के द्वार तो तुम जैसे बिजनेसमैन के लिए हमेशा खुले रहेंगे और तुम्हें हर चीज़ में मेरी मदद मिलती रहेगी, अगर तुम मेरे साथ बने रहे तो ही। वरना तो तुम जानते ही हो कि आदमी को भुला देने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर वो मेरे किसी काम का ना रहा। इस बात को तुम अच्छी तरह से समझ लेना कि अगर तुम्हारा काम मेरे साथ ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो तुम मेरे साथ ऐसे ही बने रहोगे, और जो भी बेनिफिट्स मेरी तरफ से तुम्हें मिलते रहेंगे वो तुम्हें आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। इस बारे में तुम एकदम से निश्चिंत रहना। जब तक हमारी सत्ता चल रही है इस दौर में हमें बहुत सारे प्रपोजल को कैचअप करके हमारा अपना अपना काम निकलवाना होगा, और दूसरे इलेक्शंस आने से पहले उन प्रपोजल्स का इनॉग्रेशन करवा के उन प्रपोजल को आगे बढ़ाना होगा ताकि हम हमारे प्रॉफिट्स में आगे बढ़ सके। एक बार ये प्रपोजल्स चालू हो गए तो उन्हें रोकना किसी भी गवर्नमेंट के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि हमारे सभी रास्ते लेजिटिमेट वेज से ही पास हो चुके हैं, तो उसमें और कुछ खामियां निकालना किसी और गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए ये जो सब चल रहा है वो एकदम पक्का गेम है हम सब के लिए, और इसे तोड़ पाना किसी और के लिए बहुत ही नामुमकिन होगा, बहुत ही नामुमकिन। अगर किसी ने आरटीआई डालकर इस बारे में सब जानना भी चाहा तो भी उसे लीगल कार्रवाई के सिवाय और कुछ मिल भी नहीं सकता, और अंदर की बात जो हमें पता है वो सिर्फ अंदर ही अंदर चलती रहेगी। ये इलीगल धंधे भी करना एक बहुत ही अच्छा स्किल होता है जो हम छुप छुपा कर भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जो किसी भी आरटीआई के अंदर नहीं आ सकता। और अगर ऐसा होता है तो ये सब बातें आम जनता को पता चलना तो दूर, इसकी भनक भी किसी और को लग भी नहीं पाएगी कभी। तो ये एक बहुत ही बड़ा गेम है जो हमें बहुत एक अच्छे खिलाड़ी की तरह इसे खेलना होगा ताकि किसी को भी इसकी ज़रा सी भी भनक ना लगे, और तब तक हम हमारे कामों में आगे बढ़ते रहें। ये एक पावर गेम है, पावर गेम। जो भी इसे समझ पाया और आगे चला पाया वो एक अच्छा खिलाड़ी बनकर आगे बढ़ पाया, वरना फेलियर तो यहाँ हर रास्ते पर पड़े हुए मिलेंगे। लेकिन सच में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो इन्हीं रास्तों को साथ में लेकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा ताकि हम हमारे उसूलों में और अपने कामों में आगे बढ़ सके। समझे जनार्दन? जी जी सर जी, एकदम परफेक्ट कहा आपने। और हमें बस चाहिए ही क्या, बस आपका ये अनुभव भरा हाथ। इस अनुभव का यूज़ करके ही हम इतने आगे तक आ सके अब तक, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ थी। हम तो बस एक सीधे साधे बिजनेसमैन थे अब तक, लेकिन इतना कुछ हम आगे कर सकते हैं ये सब हम आपके साथ रहकर ही इतना सब जान सके, वरना हमारी इतनी पहुंच तो कभी भी ना थी। सच में आपका एसोसिएशन पाके ही हम इतना सब कुछ कर पाए, वरना हमसे इतना ना हो पाता जो हम आपके साथ रहकर इतना सब कुछ कर रहे हैं। आपका हाथ है इसलिए तो सब ये चल रहा है, वरना हमसे इतना ना हो पाता। ये बात जयवंत भी बहुत अच्छी तरीके से मानता है, और इसलिए हम दोनों आपके इतने बड़े मुरीद हैं। सच में सर जी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम दोनों के लिए, सच में। और फिर SCCS में शुरू हुआ एग्ज़ाम्स का दौर, मिड टर्म एग्ज़ाम्स का दौर। ट्रेडिशनल डे के एक अच्छे ब्रेक के बाद सभी स्टूडेंट्स एक अच्छी तरह से रीयूनाइट होकर एग्ज़ाम्स देने के लिए तैयार हो चुके हैं, और 2 दिन के गैप के बाद ये एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए। फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथ्स और केमिस्ट्री के पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर सभी स्टूडेंट्स एकदम से एक्साइटेड हो चुके थे। मिड टर्म्स के एग्ज़ाम्स ACCS में हमेशा की तरह टफ होते हैं,
और इस बार भी यही कानून लागू था, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी सभी पेपर्स ऐसे ही टफ करके रखे थे सभी प्रोफेसर्स ने। और ऐसे होता भी क्यों ना, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स ही ऐसे थे मैनेजमेंट की तरफ से, इस बार भी मिड टर्म के एग्ज़ाम्स ऐसे ही टफ हो ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ाई की और स्टडीज़ की अहमियत एकदम से समझ में आ जाए, क्योंकि ACCS में पूरे साल तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का ही बोलबाला होता था। तो उस हिसाब से सभी स्टूडेंट्स का अगर देखा जाए, नॉर्मल हिसाब से अगर हम कहें तो एग्ज़ाम्स और स्टडीज़ को लेकर एक ईजी गोइंग नेचर बन चुका था। तो इसलिए सभी प्रोफेसर्स ने तय किया था कि हर बार की तरह इस साल भी मिड टर्म के एग्ज़ाम्स टफ होंगे, ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने बाकी एक्टिविटीज़ को कुछ देर के लिए भुलाकर स्टडीज़ पर अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर सके। और उस हिसाब से इन्हीं चारों सब्जेक्ट्स के पेपर्स उसी तरह से एकदम से टफ सेट करके रख दिए गए थे। और अब शुरू हुआ था एग्ज़ाम्स का दौर। सभी स्टूडेंट्स एक अच्छे प्रिपरेशन के साथ साथ इस एग्ज़ाम में उतरे थे, क्योंकि सबको पता था कि मिड टर्म के एग्ज़ाम्स का क्या जलवा होता है हर साल, इसलिए कोई भी उसे हल्के में नहीं लेना चाहता था। स्टूडेंट्स के बारे में अगर सोचा जाए तो यहाँ स्टूडेंट्स की एक अलग अलग कैटेगरी होती है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही होशियार हुआ करते हैं, जो किसी भी लेवल का टफ पेपर आसानी से सॉल्व करके अपनी अपनी महारत हासिल कर ही लेते हैं। अच्छे मार्क्स पाना उनके बाएं हाथ का खेल रहता है। स्टूडेंट्स जैसे रविराज, श्रीनिवास, माधुरी, कीर्ति और एकता, ऐसे स्टूडेंट्स किसी भी हाल में अपने पेपर्स में, अपने मार्क्स में, अपने पढ़ाई में कभी भी गिरावट नहीं आने देते, और यही उनकी एक खास पहचान होती है एक स्टूडियस स्टूडेंट के चलते। रविराज की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा करिकुलर के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी लेकर और पढ़ाई को भी लेकर वो हमेशा अव्वल रहे। उनका डंका हर जगह पे बजता रहता था, इसलिए पढ़ाई में भी कोई कठिनाई हो तो भी वो उसे आसानी से हल करवा सकते थे। रही बात श्रीनिवास की, तो उनकी एक अलग सोच, एक अलग अंदाज़ ACCS में सबको पसंद आता था, और उनकी इस नई सोच के हिसाब से ही उन्होंने एग्ज़ाम्स में अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड का मुकाम पाया था। बाकी उनके लिए भी एग्ज़ाम्स में अव्वल रहना एक बाएं हाथ का खेल बन चुका था फिलहाल।
गर्ल पावर कीर्ति, प्रीतम और माधुरी, वो भी अपने अपने स्टडीज़ में बहुत बड़ी महारत हासिल कर चुके थे। उनको भी किसी सब्जेक्ट में हराना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। यही चीज़ थी कि माधुरी को भी इस साल के मास्टर्स क्विज़ के लिए सिलेक्ट किया गया था और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी माधुरी के लिए, क्योंकि ACCS जैसे स्टूडेंट्स के खदान के पूरे महासागर में अगर मास्टर्स क्विज़ के लिए चुना जाए तो वो सच में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी सभी स्टूडेंट्स के लिए। और माधुरी ने इस साल वो मुकाम पा ही लिया। दूसरी तरफ थी एकता। एकता के बारे में क्या कहे, वो तो एक घायल शेरनी थी। एग्ज़ाम हॉल में आती, यहाँ वहाँ उसे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सीधा बेंच पर बैठकर अपना पेपर और अपने आंसर्स लिखने में वो बिज़ी हो जाती और फिर पेपर ख़त्म होने के बाद ही वो लंबी सांस लेकर वहाँ से निकल जाती। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन उसे इस बार फंसा नहीं सकता था। एक अच्छे डिटरमाइंड माइंड से वो आगे बढ़ रही थी। उसे इस बार अपना लोहा मनवाना ही था पूरे ACCS में। जो भी चीज़ें पिछले साल उसके हाथों से छूटी थी वो सब चीज़ें वो इस बार इस साल पाना चाहती थी और उसी की तैयारी उसकी चल रही थी। और उस तैयारी के चलते एकता का अभ्यास भी इस मिड टर्म एग्ज़ाम्स में बहुत ही बड़ा काम करने वाला था और सभी लोग ये सब जानते ही थे कि अगर एकता डिटरमाइंड हो जाए वो बड़े से बड़े काम को भी आसान करवा कर ही छोड़ सकती है। स्टूडेंट्स के दूसरे कैटेगरी में आते हैं शाहिद और ईश्वर। इनका पढ़ाई में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ये एक एवरेज काइंड के स्टूडेंट्स थे लेकिन पढ़ाई को वो उतना ही मानते थे। लेकिन वो रविराज और श्रीनिवास जैसे उन हार स्टूडेंट्स के कैटेगरी में कभी नहीं आ पाते क्योंकि उनकी पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी थी ही नहीं। स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर को लेकर वो हमेशा ही दिलचस्पी दिखाते थे, इसलिए उनके जैसे स्टूडेंट्स मदन की सहायता लेकर एग्ज़ाम्स पेपर का पूरा चक्कर चलाकर अपने अपने तरीक़ों से एग्ज़ाम्स में मार्क्स जुटा ही लेते थे। ये उनकी एक कृष्ण नीति थी जिसके हिसाब से वो आगे बढ़ सकते थे। तीसरी कैटेगरी थी अवधूत और अरविंद जैसे लोगों की, जो डरा धमका कर एग्ज़ाम्स पेपर पाकर उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करवा कर एग्ज़ाम्स दे देते थे। इससे मदन को बहुत ही मुश्किल हो जाती, लेकिन प्रिंसिपल का बेटा होने के कारण वो अवधूत को कभी मना नहीं कर पाया और यही चीज़ का अवधूत हमेशा फ़ायदा उठाता रहा। तो अगर एक तरीके से देखा जाए ये भी एक तरीका था एग्ज़ाम्स में सफल होने का, भले वो गलत क्यों ना हो। लेकिन हर कोई, हर स्टूडेंट यहाँ पे अपने अपने तरीक़ों से आगे बढ़ने की चाह रखता था और इसी हिसाब से ये मिड टर्म्स के एग्ज़ाम्स भले वो कितने भी टफ क्यों ना हो हर कोई उसे क्रैक करने का मादा रखता ही था। इस सब में हम यही सब जानते हैं कि किसी भी एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और जहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स इतने होनहार तरीक़ों से आगे बढ़ रहे थे उससे हम यही चीज़ जान सकते हैं कि किसी भी टफ़ चीज़ को ब्रेक करना इन स्टूडेंट्स के लिए बाएं हाथ का गेम था। यहाँ दो तीन तरीक़ों के स्टूडेंट्स तो हमने आपको बता ही दिए, उस हिसाब से वो भी तरीके चला कर इस मिड टर्म के टफ़ क्वेश्चन पेपर्स को क्रैक करना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था, वैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ के सभी प्रोफेसर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए। उन्हें भी अपने पढ़ाई का लोहा मनवाना ही था। जितना भरोसा उन्हें अपने पढ़ाई सिखाने में था उससे कहीं ज़्यादा भरोसा उन्हें अपने स्टूडेंट्स पे था कि भले ही पेपर कितना भी टफ क्यों ना हो हमारे स्टूडेंट्स उन्हें क्रैक करके ही रहेंगे, ये भरोसा उन्हें बहुत ही पहले से था। इसलिए अय्यर सर से लेकर सुप्रियो सर, शिरिन मैडम, अरुल मैडम, नफीसा मैडम, सभी प्रोफेसर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए निश्चिंत थे। उन्हें पता था मिड टर्म के एग्ज़ाम्स हमेशा टफ ही रहते हैं,
लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ करके उसमें बहुत सारे मार्क्स कमा ही लेते थे, और ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि टफ हालात में इतना अच्छा परफॉर्म करना ही उस स्टूडेंट्स की काबिलियत का मादा देखती है। इसलिए सभी प्रोफेसर्स अपने स्टूडेंट्स की इन बहुत सारी स्किल्स के बारे में इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। भले रास्ता कठिन ही क्यों ना हो, लेकिन उस पर चल के अपने मंजिल तक जाना हमारे स्टूडेंट्स ने जाना है, और ये उनके लाइफ के अगले लेसन्स के लिए उन्हें बहुत अच्छी तरीके से काम आ सकता है। ये सभी प्रोफेसर जानते थे, केमिस्ट्री से लेकर बायोलॉजी तक, मैथ्स से लेकर फिजिक्स तक, सभी प्रोफेसर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उनके पेपर्स क्रैक करना सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो उनके वो स्टूडेंट्स करने का मादा रखते थे। मिड टर्म एग्ज़ाम्स का जलवा भी इस साल बहुत बखूबी से बोल रहा था, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एकदम से डिटरमाइंड लग रहे थे, और सभी ने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को कुछ महीनों के लिए दूर रखकर एग्ज़ाम्स को अपना भगवान मान लिया था, और किसी भी हाल में इस टफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स के पेपर्स को क्रैक करने के लिए सभी अब डिटरमाइंड लग रहे थे। प्रोफेसर्स के साथ बात करने से लेकर लाइब्रेरी में से नोट्स निकालने तक, या फिर स्टूडेंट से कोई हेल्प लेने से लेकर हर टॉपिक का हर सब्जेक्ट समझने तक, हर कोई स्टूडेंट अपना अपना योगदान स्टडीज़ में दे रहा था। रात रात भर जागना, पूरा दिन कॉलेज में सीखना, प्रैक्टिकल्स अटेंड करना, थोड़ा देर ब्रेक लेकर पूरी रात रात भर जागकर पढ़ाई करना, स्टूडेंट्स अपनी अपनी पढ़ाई इस तरीके से मैनेज कर रहे थे। यहाँ बात अपने अपने पढ़ाई की थी, मिड टर्म एग्ज़ाम्स क्रैक करने की थी, जो कितने भी टफ क्यों ना हो, लेकिन एक बार चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद सभी स्टूडेंट्स इसमें हंसी हंसी उतर चुके थे। और यही बात SECS के सभी स्टाफ से लेकर टीचर्स प्रोफेसर्स से लेकर प्रिंसिपल श्रीपाद सर को भी बहुत बड़ा आनंद देती थी। वो ये सब अपडेट्स प्रतापराव चव्हाण जी के साथ भी शेयर करते थे, जो उन्हें भी बहुत सारा आनंद देती थी कि हमारे स्टूडेंट्स किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ने का हौसला रख सकते हैं। इस बात को देखकर उन्हें भी बहुत बड़ा गर्व महसूस होता था, और एक सच में बहुत बड़ी उपलब्धि थी किसी भी कैंपस के लिए कि उनका स्टूडेंट किसी भी हालत में किसी भी सिचुएशन में परफॉर्म करके आगे बढ़ना जी जान से चाहता था, और ये उसके आगे के ज़िंदगी के लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था एक अच्छे इंडिविजुअल के हिसाब से ग्रो करने के लिए।